बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान की दोस्ती और दुश्मनी से सभी वाकिफ हैं। ये सभी को पता है कि सलमान से जो भी दुश्मनी मोल लेता है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी दबंग को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। अब इतनी बड़ी हिम्मत कौन कर रहा है ये तो वही जानता है। हालांकि धमकी देने वाला बॉलीवुड से है या फिर कहीं बाहर से ये भी अभी तक साफ नहीं है। लेकिन धमकी का असर ये है कि सलमान को अपने फिल्म रेस 3 की शूटिंग रोकनी पड़ गई और उन्हें पुलिस की सुरक्षा में रहना पड़ रहा है। यही नहीं, सलमान के पिता सलीम खान ने इस धमकी को लेकर मीडिया से बातचीत की और बताया कि हाँ ये सच है कि सलमान को जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सलमान को इस तरह की धमकी मिली है। इस इंडस्ट्री में लोगों को ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म स्टूडियो में सलमान एक्ट्रेस जैकलीन के साथ रेस 3 के गाने की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक कुछ लोग स्टूडियो में घुस गए और शूटिंग बंद करने की मांग करने लगे और ऐसा ना करने पर उन लोगों ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सलमान खान और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से तुरंत सेट छोड़ने को कहा। साथ ही सुरक्षा के तहत सलमान को दूसरी कार में 6 पुलिस वालों के साथ घर लाया गया। पुलिस ने शूटिंग बंद करा दी है और सलमान को सख्त हिदायत दी है कि वो अकेले घर से बाहर कहीं भी ना निकलें। साथ ही उनके बांद्रा वाले घर पर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं अभी तक सलमान खान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन ये कौन है जिसने सलमान को जान से मारने की धमकी दी है? फिलहाल इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।